विश्वास है और आश्वासन है कि गौरव जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगी, और वो ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने बहुत वोकली असम के लिए और असम के लोगों के लिए हमेशा बात की, उनके हितों के लिए बात की। तो मुझे लगता है कि उनसे अच्छा कोई यहाँ के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा पुरजोर सभी से यही निवेदन है, पूरे असम से, असम के लोगों से, क्योंकि वो उनके हितों की बात करते हैं, तो ऐसे युवा नेता को आगे आना चाहिए। मेरी तो ये भी मनोकामना है कि वो आगे जाके सीएम भी बने। तो ये तो बीजेपी का बात असम के लोगों के हित में नहीं है, ये उनके विरुद्ध है ये बात, और इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसे हम लोग समर्थन दें, और हम इसे समर्थन नहीं दे रहे हैं। और असम के लोगों को ये बात समझनी है कि कांग्रेस उनके हित में बात कर रही है, कांग्रेस उनके लिए बात कर रही है, इसीलिए वोट कांग्रेस को ही देना चाहिए। राहुल गांधी जी को जो नया स्कीम है न्याय का, वो भी गरीबी रेखा से जितने भी नीचे लोग हैं उनको ऊपर उठाने की बात है। 22% जो गरीबी रेखा से नीचे हैं हमारे हिंदुस्तान में आज भी, जिन्हें दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता, जिन्हें एक सम्मानजनक जिंदगी भी नहीं मिलती, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। और एयर स्ट्राइक जो हुआ था लास्ट पाकिस्तान के ऊपर, वो बीजेपी, हाँ, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है ना। बीजेपी के पास अगर विकास का कोई मुद्दा होता, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, लेकिन उनका ध्यान हमेशा जात पात में फूट दिलाने का है। राम मंदिर लेके आएंगे बोला, 370 ये करेंगे, रद्द कर देंगे बताया कश्मीर में, लेकिन क्या किया उन्होंने? कुछ भी तो नहीं कर पाए। उनके आने के बाद बालाकोट की बात करते रहते हैं, लेकिन बालाकोट में पहले अमित शाह के बोले कि 300 आदमियों को मारा, 350 आदमियों को मारा, फिर बोले कि खाली झाड़ मार के आए, तो क्या है? मतलब उनके ही स्टेटमेंट में कोई दम नहीं होता। वो ही एयर स्ट्राइक कोई नई बात नहीं है। हमारा हिंदुस्तान बहुत सारे मुसीबतों का सामना किया है। हमारे जो आर्मी है, सेना है, वो मोदी जी की सेना नहीं है, वो भारत की सेना है, और भारत की सेना बहुत बहुत पावरफुल है। हमारी कंट्री सुपर पावर पहले से रह चुकी है। मोदी जी जब इस दुनिया में नहीं भी आए होंगे, तभी भी बांग्लादेश को एक अलग देश बनाया गया था, पाकिस्तान से लड़ा गया था, उसके बाद भी जब वो चल फिर रहे थे, एक आधा कार्यकर्ता थे, तभी भी बहुत कुछ हुआ था। पाकिस्तान के सेना को हम लोगों ने धूल चटा दी थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने किए हैं।